तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंदे का अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव मनुष्य को क्यों यहां शब्द तस्माद आया है इसको समझना चाहिए, है ना। तो कल का श्लोक निकालिए अनुवाद। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान ने सर अभी भी गीता मोड में चल रहा हूँ, डेली गीता चल रहा है ना शाम को। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सुत गोस्वामी, अतः यहाँ पे भी अतः शब्द आया है। इसीलिए मतलब इसके पहले भी कुछ कनेक्शन है। आपको कुछ भक्त बोल रहे थे प्रभु जी शास्त्र अच्छे से पढ़ना है, तो शास्त्र पढ़ने के लिए ना लिंक चाहिए। इसीलिए आप लोग भागवतम पढ़ना चाहिए, लेके बैठना चाहिए क्लास में। अभी इसमें पहला शब्द आया अतः, अतः मतलब इसलिए, तो कुछ तो पीछे हुआ होगा तभी तो इसलिए शब्द यूज किया गया। तो और पीछे चलते हैं। देखिए भागवत को कैसे पढ़ना है, गीता को कैसे पढ़ना, ऐसे पढ़ा जाता है कि उसका कनेक्शन कहाँ से उठ रहा है। एक्चुअली कनेक्शन तो और पीछे से जाना पड़ेगा, फर्स्ट चैप्टर है ना, क्योंकि 6 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन हम इतना पीछे नहीं जाएंगे अभी, है ना। वैसा कभी हम स्टडी चालू कराएंगे आप लोग को, कभी कैसा कनेक्शन बैठाना है, किसको कहाँ से। फर्स्ट कैंटो में कुछ बात आई तो फोर्थ कैंटो से कैसे कनेक्ट होता है, 10th कैंटो में कुछ बात आई तो थर्ड कैंटो से कैसे कनेक्ट होता है। ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, पूरे शास्त्र चैतन्य चैतन्यामृत भगवद गीता से कैसे कनेक्टेड है, भगवद गीता भागवतम से कैसे कनेक्टेड है, सब कनेक्शन है शास्त्रों में। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। कौन करता है? ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित जो मुनि या जिज्ञासु या जो वेदांत का श्रुति ग्रहण होता है उसको अपने आप ज्ञान और वैराग मिल जाता है। ज्ञान और वैराग मिलता है तो उसको परम सत्य की अनुभूति होती है। तो ज्ञान और वैराग भक्ति से मिल रहा है, इसका और पीछे कनेक्शन होगा। चलो पीछे देखते हैं। देखिए वही परम सत्य का बात आ रहा है ना, क्योंकि कनेक्शन होता है, फ्लो होता है। इसको समझेंगे ना। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हम भागवतम पढ़ते हैं याद नहीं रहता। भागवतम याद करने की चीज नहीं है, आपको समझना है फ्लो क्या हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 3 नाम से पुकारते हैं अद्वैत तत्व को। ये हमने लिया था ब्रह्म परमात्मा और भगवान परम सत्य वाला, ठीक है। इसीलिए परम सत्य की अनुभूति होती है। आगे चलो तो इसके बाद ये श्लोक आता है। अब ये करने के बाद क्या होता है, क्योंकि उसको अनुभूति हुई परम सत्य की, उसके बाद उस भक्त का क्या होता है वो अगले श्लोक में है। इसीलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने जो परम सिद्धि प्राप्त होती वो है भगवान की प्रसन्नता। मतलब अंत में आप कुछ भी करो, अंत में क्या चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, क्योंकि उससे आपको परम सत्य की अनुभूति मिलेगी। पिछले श्लोक बताया कि भक्ति के कारण परम सत्य की अनुभूति हुई। भक्ति का मतलब है भगवान की प्रसन्नता। देखिए कनेक्शन बैठ रहा है। और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, आइए अगले श्लोक में चलते हैं। यह आज का श्लोक है। तो भगवान को प्रसन्न करना है और उसके लिए वर्णाश्रम को एक साधन बनाना है, वो साध्य नहीं है। तो भगवान को प्रसन्न करना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इसको हमने काफी चर्चा किया। तो भगवान को कैसे प्रसन्न करें, अपना मन अपना चित्त कैसे लगाए, यहाँ पे क्या बोला है, अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक है। अब ये 4-5 श्लोक का कनेक्शन देखिए कैसे बैठ गया, एक ब्लॉक बन गया, फ्लो होता है। यही मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोला था असाइनमेंट 16 से 21 के बीच में।
तो यहाँ पे एक फ्लो बता रहा है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि भक्ति करनी है, हरि तोषणम, भगवान की संतुष्टि के लिए हमें भजन करना है। तो भजन कैसे करें, एकाग्रचित होके, तस्मात एके न मनसा एकाग्र होके, भगवान सातो ताम पति, सातो ताम मतलब भगवान के भक्तों को सातो ताम कहते हैं, और पति ही भगवान तो हम सबके पति है, जो हमारा पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पालन करते हैं। तो कैसे नित्यदा, नित्यदा मतलब हमेशा उनके साथ कैसे कनेक्टेड रहें, उदाहरण दिया यहाँ पे, श्रोतव्य मतलब उनके बारे में सुन के, कीर्तितव्यस्य उनके बारे में कीर्तन करके, यानी उनके बारे में दूसरों को बता के, ध्येय स्मरण ध्यान करके, और पूज्यस्य, पूज्यस्य पूजा करके भगवान की। यह चीज आपको रोज बताते हम लोग कि घर में एक छोटा सा ऑल्टर बनाइए, हो सके तो भगवान को थोड़ा दीप धूप फल पुष्प ये कीजिए, ये हो गया, फिर आप चैंटिंग करिए, क्लास सुनिए, श्रवण हो गया। जब अच्छे से आप चैंटिंग करेंगे, अच्छे से आप क्लास सुनेंगे, तो दूसरों को जरूर बताएंगे। ये स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक है ये भक्ति। नहीं बाहर भी, हमने आपको पहले भी उदाहरण दिए कि आप बाहर भी अगर देखेंगे तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्रिकेट मैच देखा, मैच खत्म हो गई, इमीडिएटली वो जाके चार लोग से बताना चाहेगा कि मैच में ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। मूवी देखेगा तो भी बताएगा। तो जो भी हम सुनते हैं, हम देखते हैं, यानी जो हम इनपुट लेते हैं, ये स्वभाव है जीव का, वो जाके नहीं बताना चाहता है। तो श्रवण अगर भगवान का होगा तो कीर्तन भी भगवान का होगा। अगर आप सुनोगे भगवान कृष्ण के बारे में तो बोलोगे भी भगवान कृष्ण के बारे में, सुनोगे यहाँ के दुनिया के प्रजल्प के बारे में तो करोगे भी प्रजल्प। और ये दोनों होने से क्या होता है, अपने आप आपका स्मरण होगा, दिन भर आपका स्मरण होगा, कनेक्शन बैठेगा, हर चीज में भगवान से कनेक्ट कर पाओगे, स्मरण होगा, और भगवान की पूजा करो, है ना। यही नवदा भक्ति में से चार चीजें यहाँ पे बताई गई है। तात्पर्य, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परम सत्य भगवान की प्रसन्नता अगर जीवन का लक्ष्य है तो कुछ भी करो वो काम होना चाहिए, है ना। कहा जाता है ना, जो करना पड़े कर लो, लेकिन अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। तो जब उद्देश्य ही इतना ऊंचा है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो जो लगाना पड़े, हाँ, यहाँ तो कीर्तन श्रवण स्मरण सब लगा दो, तन मन धन बोलते हैं ना, तन मन धन सब लगा दो भगवान की सेवा में। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य वही है। तो कौन लगा पाएगा, कौन हर चीज हर समय भगवान के साथ कनेक्ट कर पाएगा, जिसने अपने जीवन के उद्देश्य बनाया है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, और किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं बैठा यहाँ पर। तो आपको एक कथा सुनाते हैं, फिर आएंगे हम, क्योंकि ध्यान की बात हो रही है, उद्देश्य पे ध्यान देना। तो देखिए, एक बार एक राजा था और उसका मित्र था, तो उसके मित्र ने एक बार कुछ गड़बड़ कर दी, जिस कारण उसको राजा के सैनिक पकड़ के ले आए, अब दरबार में आ गया। अब गलती की है वो भी प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया कि इसने गलती की है। अब क्या हो रहा है, गलती की तो है तो सजा तो मिलेगी, लेकिन राजा है और राजा का मित्र है ये खास बचपन से, अब क्या देखिए, सजा देंगे तो हृदय दुखेगा, सजा नहीं देंगे तो धर्म अच्छा नहीं है, तो फिर मंत्री सब राजा पे दोषारोपण होगा। तो राजा ने उसको कहा, बोले हम तुमको एक दंड देंगे। तो फिर लेके गए उसको छत पे, अपनी छत पे लेके गए, सारे मंत्री भी थे, और उस छत से दूसरे बिल्डिंग का, थोड़ा दूर पे दूसरी बिल्डिंग थी, एक रस्सी बंधवा दी। बोले अगर तुम इसके चल के, इसके ऊपर चल के उस तरफ पहुंच गए तो तुम बच जाओगे, और नहीं पहुंचे तो तुम्हें तो अपने आप स्वाहा सजा मिली जाएगी, गिर जाएगा तो खत्म हो जाएगा।
तो इसमें क्या होगा, धर्म की रक्षा भी हो गई कि सजा दिया राजा ने, कोई पार्शलिटी नहीं किया, भेदभाव नहीं किया अपने मित्र के प्रति, और मित्र को बचाने का एक मौका भी दे दिया। तो इसका मित्र जो है राजा का, वो चढ़ा और वो चल भी गया और पूरा पहुंच गया। तो बाद में सब तो हैरान हो गए, मंत्रियों ने बोला ठीक है, राजा ने तो सही सजा दिया, मौका दिया उसको सुधरने का, बच गया। फिर शाम को दोनों बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो राजा ने पूछा, अरे तूने कैसे किया ये? डर नहीं लगा? इतना भयावह परिस्थिति में था। तो उसने राजा को बताया, अपने मित्र को, देखो भाई, जब तुमने मुझे कहा कि इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे जाना है इस पे चल के, तो मेरा ध्यान ये नहीं था कि मैं कहाँ चल रहा हूं, मेरा ध्यान ये नहीं था कि मैं कहाँ खड़ा हूं या नीचे क्या ऊपर क्या है, मेरा सिर्फ ध्यान था जहां पे ये रस्सी खत्म होकर दूसरे बिल्डिंग से कनेक्ट होती है, बस उस पॉइंट पे मुझे पहुंचना है, पूरा ध्यान मेरा वहीं था। तो जिसका ध्यान लक्ष्य पे होता है ना, वो साधन से नहीं घबराता है, रास्ते में आने वाली परेशानियों से नहीं घबराता। एक और उदाहरण देते हैं आपको, एक साधु बैठ के तपस्या कर रहा था और उसकी पूजा की सामग्री वगैरह सब रखी हुई थी, अभी उसको पूजा करना था, ध्यान कर रहा था, फिर सोचा पूजा करूंगा। लेकिन जब ध्यान कर रहा था तो एक 16-17 साल की लड़की, गांव का सीन है, पुराना है, 16-17 साल की लड़कियां था, भाग के निकली उसके सामने से और उसका जितना भी पूजा का सामान था सब तहस नहस हो गया, सब लात मार के निकल गए, सब भाग गई। तो साधु को गुस्सा भी आया लेकिन हैरान था कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। फिर साधु बोला ठीक है, बेचारा अरेंजमेंट कर रहा था, वापस सब अरेंजमेंट कर रहा था। 1 घंटे बाद ये लड़की फिर लौटी और इसने माफी मांगी, सारा सामान अरेंज किया, सब धो धा के अच्छे से बढ़िया गंगा जल भर के और इसका पूजा के लिए पूरा सेटअप तैयार कर दिया। तो ये साधु को हैरानी हुआ, बोले अरे तुम यहां से भाग के गई, तब तो तुमने देखा तक नहीं पलट के क्या हुआ, इतना डैमेज किया तुमने, ऐसा क्या था, और अभी आके तुम्हारा पूरा परिवर्तन होता है ना। लोग कभी आप सोचते हो अरे ये व्यक्ति ने ऐसा किया, बाद में ऐसा हो गया, समझना चाहिए। तो वो लड़की बता रही थी कि महाराज, मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रही थी, बड़े दिनों से उससे मिलना नहीं हो पाया था, अभी कुछ समय था मुझे उससे मिलने के लिए, इसीलिए मैंने ना इधर देखा उधर देखा चले गए। तो साधु को इससे शिक्षा मिली कि ये साधारण सी लड़की अपने प्रियतम से मिलने के लिए ऐसे दीवानों जैसे भागी है, और मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूं और भगवान तो शाश्वत प्रियतम है, सात्वतहम पति ही, वो तो हमारे असली प्रियतम है, तो उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए मुझे कितना, बोलते हैं ना, जुनून चाहिए, दीवानापन चाहिए, जब तक नहीं होगा भक्ति नहीं होगी, ठंडी ठंडी भक्ति होगी। फिर जब तक लक्ष्य को पूरा फोकस में करना हमको, और उसके बाद रास्ते में बहुत सारी अटकलें आएंगी आपके कर्म अनुसार, लेकिन न घबराना है न रुकना है न वापस मुड़ना है, चलते रहना है, ये चाहिए, तब आप भक्ति। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, आपको लगता है आसान था? इतना आसान था प्रभुपाद के लिए? आप सोचिए, आप 70 साल यहाँ पे कोई भक्त होंगे, 70 साल के आपको बोलेंगे लो 40 रुपये पकड़ो अमेरिका जाओ, देखें कितने लोग जाते हैं। 40 रुपये में बोलेगा प्रभु मैं बंबई से सूरत ना जाऊं, बंबई से दहानू की टिकट भी 50 रुपये की, आप अमेरिका जाने बोलते हो, और मेरा खाने पीने का, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, ये वो कुछ नहीं, प्रभुपाद निकल गए, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड बाय कृष्णा। क्यों? क्योंकि गुरु को प्रसन्न करना है, ये चाहिए हमको। भले दुनिया इसको पागलपन बोले, चाहिए भक्तों में ये होना चाहिए और ये डेवलप करना चाहिए। गोपियां सब छोड़ के भागती है, कन्हैया बंसी बजाते हैं, गोपियां सब छोड़ के भाग रही है,
अपने पति की सेवा छोड़ के भाग गई, अपने सास का सेवा छोड़ के भाग गई, कोई कुकिंग कर रही थी वो छोड़ के भाग गई, कोई खा रही थी वो छोड़ के भाग गई, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है बच्चे को उतार के छोड़ के भाग गई, और एक गोपी को नहीं जाने दिया उसका पति ने, दरवाजा बंद कर दिया, तो वहीं उसकी मृत्यु हो गई, सह नहीं सकी भगवान से विरह। इसीलिए तो गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है ना, हमको हम उनका इमिटेशन नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपीर भर्तु पद कमल और दास 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 अनुदास, वो गोपियों के भर्तु गोपीनाथ उनके दास के दास के दास के दास। तो ये चाहिए, रात को 12 बजे सोए, सवेरे उठना है, 4 बजे उठना है, मतलब उठना है, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। ये पैशन, ये जुनून, ये मोड ऑफ पैशन वाला नहीं है, जो बोलते हैं ना जुनून चाहिए, ये चाहिए, नहीं तो फिर धक्का नहीं लगेगा। लेकिन ये मटेरियल नहीं है, भौतिक संसार में भी लोग करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, लेकिन वो भौतिक है। हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए कर रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन ले रहे थे, गरुड़ स्तंभ पे हाथ रखे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के आगे जाते नहीं थे, गरुड़ स्तंभ के बाजू में हाथ रखे, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की 3 उंगलियों के निशान अभी भी गरुड़ स्तंभ पे आपको मिलेंगे। तो खड़े दर्शन ले रहे थे जगन्नाथ, एक बूढ़ी औरत एक वृद्ध औरत, बहुत वृद्ध थी, वो आई दौड़ते हुए, उसको जगन्नाथ का दर्शन लेना, अभी कैसे लूं, ऐसे ऐसे ऊपर देख रही है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो चढ़ गई किसके ऊपर, महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई, भगवान के ऊपर। एक पैर रखा उसने महाप्रभु के कंधे पे और दूसरा रखा गरुड़ स्तंभ पे, दोनों अपराध, महाअपराध। एक गरुड़ पे, भक्त पे, भगवान के शुद्ध भक्त पे पैर रखा, एक अब भगवान के ऊपर ही पैर रख दिया। तो वहां पे भगवान के जो असिस्टेंट आ गए, उधर 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 उधर, कैसी औरत है, अरे महाप्रभु पे पैर रखती है। भगवान बोले नहीं रहने दो, तुम देख नहीं रहे हो कितनी उत्सुक है, कितनी ललायत है ये, कितना लोभ है इसके अंदर भगवान का दर्शन करने का, काश मेरे अंदर इतना लोभ होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल को हम मंदिर जाएं दर्शन लेने के लिए तो सबको धक्का मार मार के भगाया देखो, हाँ, या सबके ऊपर हम चढ़ जाएं, ऐसे नहीं करना है, मर्यादा पालन करनी, लेकिन भाव वो होना चाहिए हमारा, उत्कंठा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। तो ये है, ठीक है, दिखाइए परपट। उपर्युक्त वर्ण तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्ति है। वर्ण आश्रम, कोई आप कोई भी वर्ण में हो, देखिए उपर्युक्त वर्ण मतलब ऊपर दिए गए, पिछले श्लोक में कल हमने देखा, आप किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, ये चारों को करना है। देखिए जो ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है, सन्यासी, वानप्रस्थ, जो भी है, चैंटिंग सबको करना, श्रवण हो गया, भागवतम पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना, लेक्चर सुनना, ये भी करना है, और उसके बाद स्मरण, ये भी सबके लिए कॉमन है। अब पूजा करना, तो हम लोग मंदिर में जो रहते हैं, हम हर कोई पूजा नहीं कर पाता, कुछ लोग पुजारी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम आरती अटेंड कर रहे हैं, सेम है, तो आप घर में पूजा कीजिए। तो ये चारों भेद नहीं है, मैंने कल यही बताया ना कि भक्ति में भेद नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का जो क्रियाएं हैं उसमें कभी भेद नहीं होगा, शारीरिक क्रियाओं में भेद हो सकता है, आत्मा की क्रियाओं में भेद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पति हरे कृष्ण जप करेगा और पत्नी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करेगी, पति बोलेगा मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम जूनियर हो, तुम मुझसे छोटी हो, तुम छोटा मंत्र जप करो, तो बच्चे लोग क्या जप करेंगे, हरे 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 बोलते रहेंगे यार। पति बोलेगा पत्नी को मैं पूरा मंत्र जप कर रहा हूं, तुम भी पूरा कर रहे हो, तुम आधा करो, तुम मुझसे छोटी हो। पत्नी बोलेगी 2 साल तुमसे बड़ी हूं, छोटी का है क्यों,
ये जो है आत्मा के क्रियाओं में कोई भेद नहीं है, ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना कोई आश्रम का। कोई वृद्ध व्यक्ति भी होगा हमारे यहाँ, ना विष्णु प्रभु हैं देखो, वो भी हरे कृष्ण जप करते हैं, और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं 8-9 साल के, वो भी हरे कृष्ण जप करते हैं। कोई भेद किया नहीं, इस पे कोई भेद नहीं है। नेक्स्ट, तो इसीलिए भगवान भेदभाव नहीं करते, इसे समझ में आता है। एक्चुअली ये अच्छा लगता है, एक एक लाइन से जाएंगे ना तो उसको समझाना वो ज्यादा अच्छा फ्लो बैठता है। प्रभुपाद ने क्यों कहा है, कई बार हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं और एक लाइन लेके उस पर आधा घंटा पौना घंटा एक ही लाइन पे चर्चा चल रही, एक एक घंटा चर्चा चल रही। एक बार मैंने एक पैराग्राफ लिया प्रभुपाद का और 3 घंटा चर्चा चली, सिर्फ एक पैराग्राफ पे 3 घंटा चर्चा चल रही है। आप लोग के पास समय सीमित है, क्या करें। ठीक है, दिखाइए भाई। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवन के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित हैं। देखिए एक एक लाइन इतना इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ने का मन नहीं करता। जीवों के कार्यकलापों कि इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। हमको इसी में हमेशा बिजी रहना चाहिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे उनकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वो कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है और है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते, चाहे ये गुणगान झूठे ही हो या सच हो। तो देखिए पूरा दुनिया में क्या चल रहा है, श्रवण और कीर्तन। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इवन पक्षी जैसे सवेरे ना भोर में सूर्योदय के पहले उड़ जाते हैं ना पक्षी, अलग अलग पक्षी होते हैं, पक्षियों की चुचुहाट सुनने मिलती है आपको सवेरे। अगर आपके आसपास कुछ वृक्ष हैं तो पक्षियों की चुचुहाट सुनने को आपको मिल जाती है। आप कभी हरे कृष्ण मंदिर में आइए, जुहू में या वृंदावन या मायापुर कहीं पे, आप देखेंगे कि 5 बजे आप देखेंगे अलग अलग पक्षियों की आवाजें चालू हो जाती है। कुछ लोग जल्दी जाग जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट जाते हैं, है ना। जो मादा पक्षी है वो जल्दी जाग जाती है, उसको कुकिंग करनी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर पति को ऑफिस भेजना है, तो वो जल्दी उठ जाती है ना। और कुछ बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, वो हमारे साथ जप करने के लिए आ जाते हैं, ऐसा सब उठ जाते हैं, कुछ ना कुछ चू 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 करते रहते हैं। तो मंदिर में रहते हैं, वो मंदिर का प्रसाद खाते हैं, इसलिए उनका चूचू करना भी हरे कृष्णा बोलना ही है, भक्ति करना ही है, क्योंकि प्रसाद खा रहे हैं। हमारे मंदिर में 2-3 बिल्लियां हैं, फिर हम तलाशरी भेज देते हैं, बड़े हो जाते। एक बिल्ली हमने देखी थी वो कुछ नहीं खाती, तो क्या योगी तपस्वी है क्या? नहीं, नहीं तपस्वी नहीं है वो, साधु है। मतलब सिर्फ पनीर खाती है, उसको दिन भर 2 बार 3 बार पनीर दो, ना दूध पिएगी ना कुछ खाएगी, सिर्फ पनीर। वो किचन के बाहर बैठ जाएगी चुपचाप, फिर जब कुकिंग वुकिंग हो जाएगा थोड़ा पनीर उसको लाके दिया जाता है, वो पनीर ही खाएगी। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा भक्ति रहा होगा, कोई इसीलिए कोई साधु रहा होगा जिसको पनीर खाने की इच्छा हुई होगी मृत्यु पे, तो ऐसा इसीलिए सावधान रहना चाहिए हमको कि ऐसी इच्छा, ऐसी इच्छा रखो लेकिन भगवान पे केंद्रित रखो, नहीं तो वापस फिर हरे कृष्ण मंदिर में बिल्ली बनना पड़ेगा। तो सब कोई श्रवण कीर्तन में लगे हैं। आप देखिए आपने कभी देखा होगा सवेरे 6 बजे चींटियां निकलती हैं बाहर, पूरा लाइन लगा के जाती हैं, और एक चींटी इधर से आएगी बाकी सब इधर से जा रही, सबसे मिलती हुई जाएगी, सबको हाय हेलो करते हुए जाते हैं। इनमें बड़ा एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम रहता है चींटियों में, बिना हाय हेलो किए नहीं जाते। क्या हो रहा है, श्रवण कीर्तन हो रहा है। सब्जी वाले सवेरे उठते हैं श्रवण कीर्तन करते हैं, फल वही बेचने वाले फूल बेचने वाले सब लोग वही कर रहे हैं, सिर्फ कोई बोल रहा है कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है कोई सुन रहा है। शेयर मार्केट खुलता है बोल रहा है सुन रहा है, कोई दुकान जाता है बोल रहा है सुन रहा है, ऑफिस में बोल रहा है सुन रहा है। ये दो क्रियाएं तो संसार में हर जगह है, और प्रभुपाद जी लिखते हैं उदाहरण में समाचार पत्र में। हाँ, समाचार पत्र क्या है, इतना मोटा मोटा न्यूज़पेपर आने लगा है, 30-30-35-40 पेज। देखिए इतना बड़ा न्यूज़पेपर 40 पेज का,
उसको अगर एक बुक बनाएंगे तो कितना बुक बनेगा पता है आपको? एक न्यूज़पेपर होता है वो इतना बड़ा होता है, उसको 4 बार फोल्ड करेंगे, यानी 2 बार फोल्ड करेंगे, एक बार और उसका 2 बार, तो ये A4 शीट बनता है लगभग, और उसका फोल्ड करेंगे तो A5 बनता है, मतलब ये बुक का साइज है। अगर 40 पेज का न्यूज़पेपर है और उसको आपने 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो 40 × 8 320 पेज का बुक बन गया, और रोज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 पेज भगवत गीता के नहीं पढ़ेंगे हम, है कि नहीं? अगर 30 पेज का भी अखबार है तो 30 × 8 240 पेज का बुक हम पढ़ दे रहे हैं, लेकिन हम 10 पेज गीता नहीं पढ़ सकते। और उस अखबार में क्या है? दुनिया के हर अखबार में सबसे ज्यादा झूठ भरा भरा पड़ा रहता है, सत्य कितना रहता है वो तो भगवान जाने, लेकिन झूठ भरा रहता है। और करना क्या है? बंबई वालों को अखबार पढ़ा था, दिल्ली में बहुत बारिश हुई, आपको क्या करना है? आप जाके उधर सफाई करने वाले हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, हमारा रिश्तेदार है, तो क्या करोगे आप? अपने रिश्तेदार को बचा सकते हो बारिश में भीगने से? तो फिर अपना काम करो ना। ये जो संसार में हो रहा है ना, ये सो कॉल्ड कंसर्न अबाउट अदर्स, कंसर्न अबाउट अदर्स, हो मेरे को चिंता है इनकी उनकी उनकी, पहले अपनी चिंता करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम में, सेल्फ प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट लॉ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। पहले अपनी भक्ति बचाइए। हमको क्या करना है, क्या कहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है? कम से कम हमने देखा लोग, मिनिमम बिजी लोग भी 1/2 घंटा 1 घंटा पेपर पढ़ लेते हैं, जो बिजी हैं। ठीक है, आप 15 मिनट स्कैन कर लिया, किसी ने किसी का जरूरत होगा, लेकिन आधा घंटा गीता भी पढ़ लो भाई। अखबार तो एक बार पढ़ने के बाद सिर्फ उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, या कुछ पोंछ देते हैं, या कुछ बिछाने के काम आता है, या रोटी पैक करने के काम आता है। एक्चुअली खाना नहीं पैक करना चाहिए अखबार में, क्योंकि अखबार की जो इंक होती है उसमें लेड मिला होता है, जो जहर होता है। तो हर जगह सिर्फ श्रवण कीर्तन चल रहा है। चलो, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा कि हम एक आध्यात्मिक अखबार निकालना चाहते हैं, तो किसी ने कहा कि महाराज, गुरु महाराज, आप आध्यात्मिक अखबार निकालना चाहते हैं, पढ़ेगा कौन और इतनी खबर कहाँ है? आप बोलते हो रोज निकालेंगे, तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर बोलते हैं, अरे ये भौतिक संसार इतना छोटा है, इतना छोटा है, और उसमें इतना छोटा भारत देश, और उसमें छोटा सा कलकत्ता शहर, उसमें 10-12 अखबार निकलते हैं, तो हमारा अखबार कितना होना चाहिए? क्योंकि भगवान अनंत हैं और अनंत लीलाएं पूरे सृष्टि में चल रही हैं कंटिन्यूअसली। हमें तो हर सेकंड में, हर मिनट में जो अखबार निकालना चाहिए, इतने अखबार निकल सकते हैं, हमारे पास इतना मटेरियल। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर और प्रभुपाद ऐसे आचार्य जब बोलना चालू करेंगे तो पता नहीं पड़ेगा कि आपका जीवन 100 साल कब खत्म हो गया। नॉन स्टॉप बोल सकते हैं लोग, आप सुन नहीं सकते, इतना है इनके पास, क्योंकि देख रहे हैं भगवान की लीलाएं। अब भगवान की लीलाएं कितना है? भगवान कृष्ण को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। भगवान कृष्ण भी अपने आप को नहीं जान सकते, अनंत है ना, कैसे जाने? भगवान के पार्षद, नित्य पार्षद, पहले एक्सपांशन बलराम जी जो अनंत शेष हैं, वो अनंत शेष कहा जाता है कि हजारों हजारों मुख हैं उनके, और वो निरंतर पिछले शाश्वत काल से भगवान के गुणगान गा रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान के अनंत रूपों में अनंत लीलाएं हो जाती है ना। धनवान वो व्यक्ति कहलाता है, अमीर व्यक्ति कौन कहलाता है पता है आपको? जिसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसको पता ही नहीं है, वो गिन ना पाए। आजकल तो सब गिनते हैं, दुनिया का बिल गेट्स दुनिया में पहला, फिर वो अमेजन वाला, फिर अंबानी, ये सब लोग गिन लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी, मतलब ये अमीर नहीं है। जो अपनी प्रॉपर्टी गिन ना पाए, इतना है हिसाब, टाइम ही नहीं है हिसाब के साथ। तो भगवान जिन जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनको खुद नहीं पता क्या हिसाब किताब है।
इतना अनंत लीलाएं चल रही है ना, ये भी भगवान का एक ऐश्वर्य है। इसको अलग ऐसा नहीं देखना चाहिए, भगवान में ये कमी है, भगवान नहीं पूरा अपना, ये भी ऐश्वर्य है भगवान का, इतना हो रहा है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले हम कितना अखबार निकाल सकते हैं। लेकिन आप एक भगवद गीता पढ़ लें, भागवतम पढ़ लें, वही बहुत है। हमें भागवतम पढ़ना चाहिए रोज, भगवद गीता पढ़ना चाहिए, दोनों रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है, श्रवण कीर्तन पूरे संसार में है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि उस श्रवण कीर्तन को बंद मत कीजिए, उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज कीजिए। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, तो 10-15 दिन हो गए इलाज हो नहीं रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा पेशेंट, तो डॉक्टर क्या बोलता है, दवाई खाना छोड़ो बोलता है? नहीं, वो उसकी दवाई में कुछ चेंजेस करता है कि भाई ये नहीं चल रही तो ये ट्राई करो। तो वैसे ही ये श्रवण कीर्तन हमारी दवाई है। भौतिक दवाई ले रहे हैं तो भौतिक रोग बढ़ रहा है, तो इसीलिए श्रवण कीर्तन बंद नहीं करना है, हमको दवाई चेंज करनी है। अभी भौतिक की जगह आध्यात्मिक गोली लेनी है, जिसके कारण भव रोग नष्ट हो जाएगा और आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी, भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा। वही श्रवण कीर्तन, कुछ अलग नहीं करना है। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी अभी मैंने पिछले 6 महीने से मैं 16 माला कर रहा हूँ, अभी आगे क्या? वही 16 माला करते रहो। भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं? जितना ध्यान पूर्वक सुनते जाओगे, करना वही है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। आप अपने जप करते समय जितना ध्यान बढ़ाते जाएंगे, उतना आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आप जितना भागवतम क्लासेस में अटेंटिव रहेंगे, उतना आपका भक्ति बढ़ेगा। जितना आप रीडिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, उतना आपका भक्ति बढ़ेगा। जितने स्नेह के साथ, जितने भाव के साथ भगवान को भोग लगाएंगे, उतना आपका भक्ति बढ़ेगा। और ये सबका आधार है श्रवण कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना और सुनना, ये आधार है। प्रभुपाद जी कहे 99% ऑफ आवर भक्ति डिपेंड्स ऑन हरे कृष्ण महामंत्र, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र जप जो है वो 99% भक्ति है, बाकी सब सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली चैंटिंग हमारा इतना इंप्रूव होना चाहिए। हम भागवतम में क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? भगवान की लीलाएं, भगवान का अपने भक्तों के प्रति आदान प्रदान, भगवान का गुणगान। तो परम भगवान के गुणों का बारे में सुनते हैं तो उनके प्रति हमारा और रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो फिर जब अच्छे से कर पाएंगे, है ना? तो उसी के लिए बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है, ये हमको पता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति कैसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। ये भौतिक चीजें पढ़ के आप पढ़ते हो, लोगों की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, या लोगों के बारे में पढ़ रहे हो, किसका भला, ना उसका भला हो रहा है ना आपका भला हो रहा है। लेकिन कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका। मैंने बहुत सारी इस्कॉन में जुड़ने से पहले बहुत सारी बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, मुझे इंटरेस्ट रहता था। फिर किसी ने मुझे, जब मैं इस्कॉन से नया नया जुड़ा, 2-4 माला जप करता था, तब किसी ने कहा अगर आपको बायोग्राफी पढ़नी है तो आप प्रभुपाद की बायोग्राफी पढ़ो, जो अप्स एंड डाउन्स, जो ट्विस्ट, जो आप देखेंगे अमेजिंग, उसी को प्रभुपाद लीलामृत कहते हैं। और इस साल हम लोग 125th एनिवर्सरी मना रहे हैं प्रभुपाद जी का। आप लीलामृत पढ़ेंगे तो छूटता नहीं है। एक बार मैं लीलामृत पढ़ने बैठा रात को 9:45 बजे, मैं बोला कि चलो थोड़ा सा पढ़ के सो जाता हूँ। थोड़ा सा पढ़ने बैठा, टाइम देखा 4:15 हो गया था सवेरे का, मैं बोला चलो नहा के मंगल आरती जाते हैं, तो छूटता नहीं है। बहुत सारे भक्त हैं पढ़ने बैठते पढ़ते बैठ जाते हैं, तो ये हमको चाहिए, ये मैं शुरू में बोल रहा था, ये हमको जुनून चाहिए।
प्रभुपाद लीलामृत ऐसा है, इतना इंटरेस्टिंग, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना प्रभुपाद जी के लाइफ हिस्ट्री में, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इतना एकदम ऐसा अट्रैक्शन आएगा आपको। अब वैसे ही भागवतम है, तो अभी हम लोग को उतना टेस्ट नहीं है, लेकिन धीरे 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 प्रयास करेंगे। प्रभुपाद लीलामृत कोशिश कीजिएगा इस साल हम प्रारंभ करें। अरे प्रभु जी अभी भगवत गीता बोलते हो, भागवतम बोलते हो, फिर अभी प्रभुपाद लीलामृत फिर कुछ जोड़ोगे, ऐसे ही होता है ना। जैसे जैसे आप भक्ति में बढ़ रहे हैं तो आपका इनपुट भी बढ़ना चाहिए, सेवा बढ़नी चाहिए, तभी तो भक्ति में बढ़ रहे हो प्रभु जी। लेकिन जब हम नए नए आए थे तो आपने बोला था बस 10 मिनट के लिए हरे कृष्णा जप करो, अभी आप 16 माला पे लेके आ गए, तो आप भक्ति आपका बढ़ रहा है कि मेरा बढ़ रहा है, फायदा आपका हो रहा है कि मेरा हो रहा है? नहीं तो जीवन में व्यर्थ में समय गंवा रहे थे, अभी उसको भक्ति में लगा रहे। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता, ये सब टेम्पररी है। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है, वेस्टेज है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्मादस्य वाले प्रथम श्लोक से के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, इससे सुख उपजेगा। यही हमने कहा पहले कि आपको बंद नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी आई एम वोरेशियस रीडर, मैं बहुत बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ता हूं मैं, ये बुक्स वो बुक्स। तो मैं बोला ठीक है, तुम बहुत पढ़ते हो, अब उस बहुत पढ़ने को धीरे 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 शिफ्ट करो भागवत पढ़ने में। तुमको बहुत सुनना है, तुम स्टोरीज सुनते हो और गाने सुनते हो, तुम भगवान के भजन सुनो और भगवान के बारे में सुनो। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कंटिन्यूसली, हमको शिफ्ट करना है। जैसे कपिल देव, भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम, संग मतलब आपको पता है, संग मतलब अटैचमेंट, प्रसंगम विशेष रूप से अटैच हो जाते हैं। ये अटैचमेंट जो है हमारा, आसक्तियां संसार में क्या करती हैं, प्रसंगम अजरम पाशम, अजरम मतलब जरा मतलब वृद्ध, तो जरा मतलब कमजोर, वृद्ध कमजोर होता है, जरा मतलब कमजोर, तो अजरम मतलब स्ट्रांग। ये संसार के प्रति जो हमारी आसक्तियां हैं ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत इनका जोड़ है, पाशम, और ये हमको बंधन में डालती है। आत्मनः कवयो विदुहु, लेकिन बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, आसक्ति छोड़ना नहीं है हमको, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये आसक्ति को शिफ्ट करना है साधुओं के प्रति। आप अपने घर परिवार संसार से आसक्त हैं, अपने जॉब से आसक्त हैं, आसक्ति हटा नहीं सकते कभी भी, उसको शिफ्ट करना है। जैसे आपके मन में मान लीजिए इच्छा है कोई, तो इच्छा खाली कर नहीं कर सकते, वो इच्छा को अब भौतिक से आध्यात्मिक इच्छा की ओर हमको मोड़ना है। जैसे आपका पेट खाली है, अभी पेट खाली है, थोड़ी देर बाद आप लोग खाना पीना चालू करेंगे, तो अभी पेट खाली है मतलब क्या, उसमें वायु है, वैक्यूम नहीं है, उसमें हवा भरी हुई है। फिर आप जैसे जैसे खाना डालते जाएंगे हवा निकल, इसीलिए तो डकार आता है ना, डकार आने का मतलब पेट ने खाना स्वीकार कर लिया, हवा बाहर निकल गया, अब वो पेट में खाना आ गया, तो पेट को खाली नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ रहेगा। तो वैसे ही हम अपने मन को कभी खाली नहीं कर सकते, उसमें इच्छाएं रहेंगी, लेकिन हमारे को क्या सिखाया जा रहा है कि उन इच्छाओं को जो है आध्यात्मिक कर दीजिए, तो भौतिक इच्छा निकल जाएंगी, आध्यात्मिक भर जाएंगी। वैसे ही हमको अपना आसक्ति
संसार के लोगों के प्रति जो है उसको हटा के यानी उसको शिफ्ट करना हमको कहाँ पे, अपनी आसक्तियों को हमको कृष्ण से और साधु से आसक्त होना है। तो माता देवहूती पूछती है भाई साधु से आसक्त हो जाएंगे, साधु के गुण तो बताओ। तो भगवान कपिल देव तब बताते हैं अगले श्लोक में, तितिक्ष्वाकारुणी कहा सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणम। तितिक्ष्वाहा जो सहनशील होता है, कारुणिका जो कृपालु होता है, सुहृद सर्वदेहिनाम सभी जीवों का मित्र होता है, अजात शत्रु शांता और अजात शत्रु है वो अपने वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। हाँ युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा जाता है, दुर्योधन भी उसको शत्रु नहीं मानते थे, युधिष्ठिर का ऐसा व्यवहार था। तो जो भगवान का भक्त है उसके प्रति हमको आसक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी हैं महान भक्त, उनके प्रति आसक्त होना चाहिए। कैसे आसक्त होंगे? अभी हम बोलते हैं कि प्रभुपाद ने ये कहा, प्रभुपाद ने ये यहाँ कहा, प्रभुपाद परपट में कह रहे, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे, प्रभुपाद के बारे में जानोगे तब आपको समझेगा अरे कौन है प्रभुपाद। एटलीस्ट आप लोग जो नए नए जुड़े हैं ये आपका होना चाहिए कि ये 125th एनिवर्सरी हमको प्रभुपाद को जानना है। तब आप प्रभुपाद जी के जब तात्पर्यों को पढ़ेंगे भागवतम और गीता में लिखे हुए तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे आप प्रभुपाद के साथ, आपको समझ में आएगा प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं। प्रभुपाद को हमको जानना चाहिए। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि शिफ्ट करना है हमको, भगवान का गुणगान सुनना है, हमको भगवान का गुणगान सुनना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम तस्माद एकेन मनसा, इसलिए एक भाव से एक मन से मतलब अपना लक्ष्य पे केंद्र करके और चलते जाना चाहिए रास्ते में कुछ भी हो। 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भक्ति का पथ ऐसा है कि आंख बंद करके भी दौड़ोगे तेज गति से तो भी गिरोगे नहीं। थोड़ी बहुत अटकलें आती है, आपका कोई प्रिय है, कोई प्रियजन है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ अर्जेंट दवाई लेके आनी है उनके लिए डॉक्टर ने बोला और वो दवाई कहीं मिल नहीं रही, आपको 5 किलोमीटर दूर जाना है, आप बाइक से जाते हो, कार से जाते हो, मोपेड से जाते हो, तो कैसे फोकस से जाओगे? ये मेडिकल स्टोर से, और जब वापस आओगे तो कैसे फोकस से जाओगे? रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन आपका फोकस वहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं कि ये चीज हमको नया है, हम सीखनी पड़ेगी, नहीं, आपको सब आता है, सिर्फ अब उसको भगवान से कनेक्ट करना है। जो भी आपके पास है, जो भी नॉलेज है, वो सब भगवान से कनेक्ट करना है। जो भी आपको भगवान ने कलाएं दी हैं, वो भगवान से कनेक्ट करना है। इसको बोलते हैं डवटेल, मतलब हमको चीजें भौतिक से आध्यात्मिक की ओर ले जानी है, धीरे धीरे भगवान से कनेक्ट करते जाइए। हाँ अभी हम ऐसे देख रहे हैं, भगवान इधर हैं, धीरे 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 इधर मुड़ रहा है हमको, तब हम तैयार हो जाएंगे कहाँ जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए। क्या पता आप में से कोई ऐसा गाय बन जाएगा, देखो भगवान गोद में बैठा के खिलाएंगे आपको, बछड़ा बन जाएगा कोई। वृंदावन में सब भगवान के साथ संबंध इनका रहता है, देखो मयूर है, हंस है, वृक्ष है, फूल है, फल है, घास है, सब भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं, इसी में आनंद है। ठीक है, हरे कृष्ण। तन्वी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली कल आपने कहा था कि मेरे दो प्रश्न है, कल आपने कहा था कि जो संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य ये स्त्रियों के लिए नहीं है, तो मैंने ऐसा पढ़ा है, मतलब मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा है कि ब्रह्मवादिनी ऐसी सोसाइटी होती है तो वहाँ स्त्रियाँ अपना पूरा जीवन स्टडीज और नॉलेज को समर्पित करके ब्रह्मचारिणी रहती है। और दूसरा प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न का उत्तर दे दूं? हाँ हाँ ठीक है। आप कहीं भी शहर में निकलेंगे ना तो आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, तो कहीं पे लिखा होगा अंग्रेजी शराब दुकान, है ना? क्योंकि शराब की दुकानें संसार में है, इसका मतलब ये नहीं कि शराब पीना है। बहुत सारे लोग दुनिया में गलत कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हमको उसको करना है।
ये ब्रह्मवादिनी आश्रम जो है ये कहीं भी शास्त्रों में नहीं है। तो ये अपना कोई उपज बना के बैठ गया है, क्या कर सकते हैं। भागवतम कहता है स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, बचपन में पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और जब पति संन्यास ले ले या मृत्यु हो जाए, जब वृद्ध हो जाए तो पुत्र के संरक्षण में। तो भगवान ने स्त्री को इतना अच्छा प्रोटेक्शन में रखा है, अब स्त्री उससे निकल के अपना ब्रह्मवादिनी आश्रम खोल रही तो क्या करे। हमें ये फॉलो करना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे, शास्त्र क्या कह रहे, कोई क्या खोल देता उससे क्या फर्क पड़ता था। लोग तो संसार में इतना सारा कुकर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी वो सत्य हो जाएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं वो हमें करना चाहिए, कौन क्या करता है उससे हमारा मतलब नहीं है। आपके आस पड़ोस में कोई भी जप नहीं करता, फिर आप क्यों जप करते हैं। भारत में 140 करोड़ की आबादी में 1% लोग भी जप नहीं करते, तो फिर आप क्यों जप कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं हमको जप करना है। तो ये सब आश्रम खोलने से, ब्रह्मवादिनी आश्रम, ये आश्रम, वो आश्रम से कुछ नहीं होने वाला। भगवान क्या कह रहे हैं, हरितोषणम, कल हमने यही कहा ना, समसिद्धि हरितोषणम। भगवान हरि को संतुष्ट करना है, प्रसन्न करना है, और कैसे प्रसन्न करोगे हरि को, हरि का सुन के, जो हरि बोल रहे हैं उनको सुन के उनको पालन कर। अपने मन मर्जी करेंगे तो हरितोषण नहीं होगा। नेक्स्ट, हम पूछिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपका। हाँ, और जब पति संन्यास आश्रम में जाते हैं तो पत्नी का क्या ड्यूटी या क्या धर्म होता है। उसका पुत्र उसका ध्यान रखेगा, वही तो बताया आपको, भक्ति करते रहना, उसको जप करते रहना, बस जप करो, रीडिंग करो, हियरिंग करो, ठाकुर जी का सेवा करो। अरे आप कॉमन, थोड़ा कॉमन सेंस से हम देखते हैं, चलो पति संन्यास नहीं लिया, पति का मृत्यु हो गया, पत्नी क्या करेगी। मान लो दोनों पति पत्नी भक्त हैं, अभी दोनों 60 साल उम्र हो गया लेकिन पति का मृत्यु हो गया, तो पत्नी क्या करेगी, भक्ति करेगी, बस उसको कंटिन्यू रखना है, वही है, सिंपल है। राम प्रभु, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं चाह रहा था कि आप अगर ये मंगल आरती भी शुरू करवा देते इसमें, तो थोड़ा ये जैसे 5 बजे उठने का तो जप का हो गया, तो वो भी शुरू हो जाता। ठीक है, हमारा आइडिया था, हम गाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे उसको कहीं से स्ट्रीमिंग करवा के कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया है। धीरे धीरे हम 6 बजे से चालू किए थे, फिर 5:30 तक लाए हैं, और हमारा आइडिया था, हमने पहले अनाउंस भी किया था करीब 2-3 महीने पहले कि इवेंचुअली हम लोग मंगल आरती, शिक्षाष्टकम सब चालू करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, है ना, हम करेंगे। अच्छा आइडिया है, नेक्स्ट। और धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है जूम पे कि एक भक्त मंगल आरती गा रहा है और किसी भक्त के घर में ऑल्टर होगा तो वो आरती कर रहे हैं, वो जूम पे दिख रहा है, दूसरा गा रहा है और बाकी सब पीछे पीछे गा रहे हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। आप में से यहाँ पे 101 भक्त जुड़े हैं जूम पे, किसी के पास ऑल्टर होगा वो आरती करेगा 4:30 बजे, और एक भक्त गाएगा बाकी उसके साथ गाएंगे, करेंगे इसको। अच्छा आइडिया है, नेक्स्ट। मेरा नाम मिश्रा माता जी, कि जैसे संसार में, संसार के प्रति हमें आसक्त नहीं होना है, और श्रीमद् भगवत गीता भी यही कहता है आसक्ति आध्यात्मिक होना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपसे सुना है, तो जैसे हमारे अंदर यदि बैकुंठ के प्रति आसक्ति हो रही है कि हमें भक्ति इसलिए करना है कि हमें बैकुंठ जाना है, तो क्या वो उसमें हम स्वार्थी नहीं हो गए कि ईश्वर की भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें वहां पर वो आनंद प्राप्त हो, तो इसमें क्या कोई दोष नहीं होगा। देखिए भगवान गीता में कहते हैं कि हमको प्रसाद खाना चाहिए, भोग लगा, बिना भोग लगाए तो पाप होता है, तो भोग लगा के प्रसाद भी तो खा रहे हैं, तो हम इसीलिए खा रहे हैं ना कि हमारा पेट भरे, हम इसलिए खा रहे हैं कि प्रसाद खाएंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, संसार के लोग अपने स्वार्थ को जानते नहीं है, तो भक्ति करके वैकुंठ जाना ये स्वार्थ है, बिल्कुल है, लेकिन वो अच्छा स्वार्थ है ना। देयर इज, आपने ये वर्ड सुना है ईगो, जी जी, ईगो मतलब क्या होता है, ईगो एक सामान्य भाषा में उसका अभिप्राय अहम से लिया जाता है। हाँ, लेकिन ईगो शास्त्र में बताया गया है कि आइडेंटिटी, अहम भी, अहंकार भी उसी से आता है ना, कि गलत आइडेंटिटी है,
जी। मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, ये गलत आइडेंटिटी है, इसलिए उसको ईगो नहीं कहते, उसको फॉल्स ईगो कहते हैं। तो एक ट्रू ईगो भी होता है, जो फॉल्स है तो ट्रू ईगो भी होगा। तो फॉल्स ईगो ये है कि मैं सोचता हूँ कि मैं भगवान का सेवक नहीं हूँ, मैं संसार का हिस्सा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये मतलब फॉल्स ईगो है। और ट्रू ईगो क्या है, कृष्ण स्वरूप है, जीवन स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं, ये ट्रू ईगो है। तो ये प्राप्त करना है, क्यों, भगवान की सेवा करनी है, उससे क्या होगा, हमको आनंद मिलेगा, तो ये तो स्वार्थ हो गया। तो ये स्वार्थ अच्छा है, गलत क्या है? अगर बच्चा कुछ गलत खा रहा है बाहर जाके, बारिश के मौसम में भजिए खा रहा है, बाहर का तला हुआ, पता नहीं बीमार होके आएगा, तो आप उसको बोलते मत खाओ, लेकिन आपको उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना खाने के लिए, घर में बना के देना पड़ेगा। तो ऐसे ही है, या तो हम आध्यात्मिक की तरफ आसक्त हो, स्वार्थ के लिए ही सही, लेकिन है तो सही। तो भगवान भी वही चाहते हैं ना कि हम वैकुंठ आ जाएं। तो अगर वो स्वार्थ है तो वो भगवान के निर्देश अनुसार स्वार्थ है ना, भगवान की इच्छा के अंदर वो चल रहा है, तो वो अच्छा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नाम प्रभु जी कि जगत में ऐसे लोग है, अप्रामाणिक लोग भी है, तो सांप्रदाय है, तो सांप्रदाय जो है वो प्रमाणित है कैसे समझेंगे, गुरु महाराज प्रमाणित है कैसे समझेंगे, ये मेरा सवाल है। हरे कृष्णा। बहुत बार संप्रदाय कैसे प्रामाणिक है और गुरु कैसे प्रामाणिक है, इसको कैसे समझेंगे। भगवान ने चार संप्रदाय बनाई है, क्योंकि भगवान सबसे ऊपर हैं, तो इसलिए भगवान ही डिसाइड करेंगे कौन प्रामाणिक है कौन नहीं प्रामाणिक है। तो भगवान ने चार संप्रदाय बनाई, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो जो भी गुरु इन संप्रदायों में आता है वही प्रामाणिक है, बाकी सब अप्रामाणिक है। जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, भक्ति सिद्धांत उनके गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज, ये कहाँ तक जाता है, ये भगवान कृष्ण तक लाइन जा रहा है, व्यास देव, नारद मुनि, ब्रह्मा, फिर कृष्ण। तो हम ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में है। अगर कोई इन चार संप्रदायों से नहीं कनेक्शन आपको दिखा पाता है तो वो उसको छोड़ दीजिए, अप्रामाणिक है, कोई फायदा नहीं होगा वहां जाकर। जड़ से कनेक्टेड नहीं, कृष्ण जड़ है, अगर जड़ से कनेक्टेड नहीं तो पोषण कैसे करेगा, अपना पोषण नहीं कर सकता, चेलों का कैसे करेगा, शिष्य का कैसे करेगा। तो यही है अप्रामाणिक, कनेक्शन नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको कुछ दिखाते हैं, ये माइक है, माइक पे हम बोलते हैं तो आवाज जाता है। अब ये माइक कनेक्टेड है, अगर निकाल दिया तो अभी आवाज का क्लैरिटी उतना नहीं है, ये माइक काम नहीं कर रहा, भले पूरा केबल है सब जगह जुड़ा हुआ है, लेकिन ये यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ हम जोड़ते हैं। अब माइक जुड़ा, तो कनेक्शन कहीं भी टूटा मतलब अप्रामाणिक हो गया, ठीक है। हरे कृष्ण,